अरे हाँ यार, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मॉर्निंग के बजे हैं 11:30 हो रहे हैं। आज हमारा काम जल्दी हो गया, आज हम जल्दी उठ गए थे। और आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे साज सज्जा। और बच्चों ने बोला है कि आज तुम्हारे घर की ना काया पलट कर देंगे। और मेरा घर बिल्कुल टिप टॉप बना के रख दिया। अभी आपको अंदर भी दिखाऊंगी मैं। इतना मस्त बना के रखा हुआ है कि क्या बताऊँ। सेटिंग सूटिंग करके कल डेकोरेशन की चीज़ें ला के सब बच्चों ने सजाया। मेरे अंदर की चीज़ें, मेरी ट्रॉफी सारी बाहर फेंक दी है। आप देख रहे होंगे पीछे से, ये देखिए कैसे कुछ सजा दिया है। इधर सारे बाहर ला के रख दिया और अंदर कुछ और कर दिया है। तो गाइस, जब लड़कियां होती है तो यही होता है। लड़कियां तो सब कुछ करती हैं बट लड़के कुछ नहीं करते हैं। मैंने भी अच्छा बनाया था लेकिन बच्चों की वजह से ना, बच्चे फैला फूलू देते हैं तो इसलिए मतलब उनको लग रहा है कि मम्मी ठीक से नहीं रखती है। मुझे बोल रहे हैं आप ठीक से नहीं रखते हो घर को, घर ऐसा बना के रखा है। तो मेरे घर की कर दी है काया पलट उनकी नज़रों में। मेरे लिए तो पहले ही काया पलट थी, तो कर दी है काया पलट। दिखाती हूँ अभी आपको थोड़ी ही देर में। बाहर कुछ इस तरह से इन्होंने बना दिया है। ये सब सजा धजा के रख दिया है, डेकोरेशन यहाँ की कर दी है। ये स्लिप में सारा हमारा एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी रहती थी, इन्होंने इस तरह से सजा दिया है बच्चों ने। और अंदर दिखाती हूँ आपको। ये इनको ना, तो गाइस इन्होंने कर दी मेरी बेटियों ने मेरे घर की काया पलट। बोल रहे अपना घर तुमने ख़राब करके रखा है, इतनी सारी चीज़ें ले आए हैं आज मार्केट जाके और घर की कर दी काया पलट। मैं आपको जब फुल फाइनल ये टच कर देंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोनों बेटियों ने सजा डाला घर को, बहुत ही अच्छा फ्लावर पॉट लाए ये, पता नहीं कहाँ से लाए, कितना सुंदर लग रहा है, अमेजिंग। और एक एंटीक पीस मैं आपको दिखाऊंगी, कितना सुंदर है यार। हटा हटना जरा, कितना सुंदर है यार, बाहर में दिखाना। तो गाइज अभी ये बिजी हो रहे हैं, ये सफाई, मेरे घर की काया पलट, सफाई भी नहीं काया पलट करेंगे। मुझे बोले सारा घर बिगाड़ के रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ फुल फिनिश होने के बाद। तो गाइज ये है फाइनल लुक, ये देखिए। और जिसने मेरा पहले का देखा नहीं है तो वो पहले की वीडियोस देखिए, आपको पता लग जाएगा यहाँ कितना गंद फैला हुआ था। और इनमें मेरी ट्रॉफी रखी हुई थी और ये यहाँ पर ये सजा दिया है। ये है हमारी घूमने की, मैं और मेरे हस्बैंड, ये 10 साल पुरानी पीक है। तब हम इतने स्मार्ट लगते थे, अब पता नहीं कैसे लगते हैं। हाँ तो गाइज ये कुछ इस तरह से, और ये सब लाए हैं। ये है एंटीक पीस, कितना सुंदर लग रहा है, सामान भी रखने के काम आ जाएगा। एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, ये सब लग दिया है और इतना अच्छा भी लग रहा है। और ये कछुआ, ये कछुआ और कछुआ रखा गया है इसमें, कितना सुंदर लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बास्केट ये लेके आए, कह रहे जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप इधर उधर फेंक देती हो इसमें रखो, तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई। और ये बहुत ही अच्छी ट्री है, एकदम ग्रीन, कितना सुंदर लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, ग्रीनरी से पॉजिटिव वाइब्स आती है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर भी ग्रीन है, इधर भी ग्रीन है, इधर भी ग्रीन। जैसे ही हमारा सफाई का प्रोग्राम मतलब पूरा हुआ, सफाई का कार्यक्रम पूरा हुआ, सेटिंग शूटिंग पूरी हुई, तो ऐसे ही पता चला कि घर में आ रहे हैं मेहमान। मेहमान कौन है? मेरी बहनें, चाचा की बेटी है मेरी, कज़न सिस्टर आ रही है, तो मैं उनको उनसे मिलाऊंगी आपको। दो बहनें हैं, दो तो एक बड़ी वाली तो मैरिड है, उसकी एक बेटी है, और छोटी वाली अभी छोटी है, जॉब करती है उसकी, वो अनमैरिड है। तो दोनों बहनों से मिलाऊंगी आपको, आप बने रहना मेरे चैनल में। बच्चों का पीछे से बैकग्राउंड चलता रहता है, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, चलाने दो उनको अपना बैकग्राउंड म्यूजिक। तो मैं आज लंच की तैयारी करते हैं फटाफट से। और लंच में आज बनेगा क्या, बनेगा लंच में आज बनेगा राजमा, राजमा बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी शायद, या कुछ और भी बनाता हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी। तो अभी चलते हैं लंच बनाने की ओर। तो गाइज ये धो दिए मैंने राजमा, और ये पीस दिया है मसाला, ये भून दी है प्याज, वो गजब। इसको बनाने के चक्कर में तो प्याज जलते जलते बचा है, तो मैं पहले प्याज चाल। आयुष्मान, आयुष्मान खुश रहो, खुश रहो आयुष्मान। ये हमारी ब्लॉगर आ गई है, ये है हमारी ब्लॉगर, इसका नाम है मन्नत। हेलो आयुष्मान, खुश रहो। ये है मेरी स्वीट सी बहन, और कहाँ गई, एक बहन भाग गई है। चाय इनको देंगे क्या आज? आ तो ये स्वीट सी हैं, तो ये मेरी बेटी कह रही इनको चाय बना देंगे क्या आज? बैठो बैठो, मेहमान आ चुके हैं, वेलकम हो गया है मेहमानों का।
और ये स्वीट कहाँ, ये तो हॉट है। पूजा 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 इधर देख, पूजा इधर देख, इधर तो आ। तो मेहमान आ चुके हैं, मेहमानों से मिलाप हो चुका है लव्या का और मन्नत का। क्या बात है यार, तुम्हें आने की खुशी। अरे अंदर बैठे थे, यहाँ गर्म होता है बहुत इस टाइम पे, तो इसलिए अंदर बैठ जाते। आप पूछे इधर। हाँ यार ये थोड़ी कमजोरी है, क्या कर सकते हैं। तो ये है हमारी पूजा जी। हेलो पूजा जी, हेलो पूजा जी, कैसी हो आप? बढ़िया। आप इतनी हॉट कैसे हो सकती हो? आपकी वैल्यू क्या करूँ, ये मेरे पे गई है गाइज, इसीलिए ऐसी है। और गाइज आपको दिखाती हूँ, आजकल के इतने छोटे बच्चे भी कितने समझदार हैं। देखो कितनी सारी चीज़ें लाई है मेरे लिए। हाय राम, इतनी सारी चीज़ क्यों लाई पूजा? प्रीति तुम क्यों लाए रहे ये सब चीज़ें? देखो ये देखो मौसी क्या लाई है। मैंने भी लाई है। खा लो खा लो खा लो, नहीं हो रही। तो बच्चे हो चुके हैं बहुत ही खुश, बच्चे कह रहे हैं कि काश ऐसी मेहमान रोज आए, है ना? किसने कहा था ऐसा अभी? तो बच्चों को मिल गई है बच्चों की मनपसंद चीज़ें और सब खुश हो गए बच्चे लोग। और इतने छोटे बच्चे भी ऐसी समझदारी वाला काम करते हैं, बताओ है? हम तो इनके सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं यार। ये बच्चों ने ऐसा क्यों किया मैं बताती हूँ, क्योंकि ये हैं जीवन चाचा की बेटियाँ। ये अपने पापा पर गई हैं। तो जो जीवन चाचा को जानते हैं वो समझ गए। तो गाइस एक मिनट ठीक हो जाओ। मैं ये हमारी स्वीट सी हॉट सी सिस्टर खाना खा रही है, वो इधर देख भी नहीं रही है। चश्मा लगा के वैसे भी स्मार्ट लगती है, है ना? तो खाओ फिर खाना खाओ। और हम लोग नीचे ही बैठ के भी खाते हैं। देखो क्या चीज। तो फ्रेंड्स लंच के बाद हम हो चुके हैं ना, ओ उठ सो के उठ चुके हैं, सोए नहीं थे हम लोग, बैठे थे बाहर आराम कर रहे थे। तो फिर उसके बाद अब जाएंगे मेरे भाई के घर, जो कि मेरा भाई राजू है, आप उसको जानते भी हैं, चंगू का छोटा भाई मंगू, मंगू का पापा मेरा भाई। तो आज हम जा रहे हैं मंगू के घर। और वो बहन मेरी सो रखी है, एक तो उठ गई है, दूसरी सो रखी है, उनको उठाती हूँ, उनको वो तो तैयार ही है, उठेंगे और चल देंगे। मैं हो गई हूँ रेडी। तो गाइस हम आते हैं घूम के, सब लोग एकदम रेडी हो चुके हैं। इनको घूमने के लिए कहो तो फटाक से उठ के रेडी हो गए। अभी चल लंपसार हो रही थी। हाँ यही वाली लंपसार हो रही थी, सांस भूल गया। आयुष्मान आयुष्मान जी तरह हो, कुछ लो तुम्हारा जी लाए हैं, ये लोग लाए हैं, मैं लाई हूँ। लो चलो बिछू ले बिछू चले ले ले पकड़ उसको अंदर। तेरे खेला चाहिए होगा, किसी और जाएगी ना। लाई कहाँ से यार, सांस भूल के दिमाग खराब हो गया। ये पहुंच गए गाइस हम जहां हमको पहुंचना था, और सबके हालत टाइट हो चुकी है। मैंने भी नहीं चढ़ाई। और जय माता को बोला नहीं, सांस ले लो जोर से बोलो जय माता दी। मेरी सांस इतनी फूल चुकी है कि क्या कहूँ। वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के बाद कुछ ठंडा हो जाए। ये हमें फल मिला है, ये हमें फल मिला है, प्रसाद है वैष्णो देवी का। कैसा प्रसाद? मन्नत जी आप क्या कहती हैं? अमृत मिला। पहली बार आके यहाँ पर मजे आ गए चढ़ाई चढ़ के ना। तो ये पहली बार देखने आए हैं तीनों लोग आज। एक्चुअली ना हमारा ग्राउंड फ्लोर है ना, हमें सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत ही नहीं। मेरे को भी है देखो, तो फिर भी थोड़ी बहुत नाजुक नहीं है।
और घर के लोग भी पूरा फायदा उठा लेते हैं, मेहमान आते हैं तो ना कुछ ही बैठ बैठ के ठंडा वंडा पी के। प्रियंश प्रियंश घर के लोग भी पूरा फायदा उठा लेते हैं। कोई नहीं, ये पहली बार आने का लग रहा है इनको टीका। ओम भू भू स्वा तस्वीर भर्गो देव से धीमे ही धीमे ने प्रचोदया खुश रहो दूध नाओ पुत्र करो। ये रैप ही है। आजकल के बच्चों को ये गायत्री मंत्र रैप लगता है गाइस। क्या कहूँ इन बच्चों का मैं। ओम बालिकम बालिके बालिकाए बालिकेशि बालिके बालिकाए हे बालक बालक के रूप गा दिए इन्होंने सारे। तो अब निकलते हैं हम घर की तरफ और वहीं मिलते हैं, और आज वहीं होगा सबका डिनर। ये भी आ रहे हैं वहाँ पर डिनर पे अभी, तो आ जाओ जल्दी से, तेरा मोड बहुत बड़ा मुश्किल। तो मिलते हैं वहीं जाके हमारे घर पे। चलो बच्चों। तो फ्रेंड मैं मिलाती हूँ आपको अपने अपनी सिस्टर के हस्बैंड से, जो कि प्रीति है, बड़ी सिस्टर, येलो कलर का जिसने ड्रेस पहना था उसके हस्बैंड हैं। तो ये आ गए हैं, ये अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मैं ऐसे वैसे थोड़ी फेस दिखा दूंगा, मेरा फेस इतना सस्ता नहीं है कि आपके चैनल में दिखा दूंगा मैं। तो गाइज ये अपना फेस नहीं दिखाएंगे। कौन कौन इनको जानते हैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये कौन है, ये मेरा क्वेश्चन है आप सबके लिए। और ये घर से ही सामान लेके आए हैं मुँह छुपाने के लिए, देखो फटाक से मुंह छुपा दिया। ये आ गए हैं मेरे हस्बैंड, और हस्बैंड जी बैठेंगे उनके साथ, अपने सुख दुख करेंगे साथ में बैठ के दोनों लोग। तो अभी अभी ऑफिस से आए हैं, और इनकी मतलब मेरी बहन और उसकी बेटी सुबह आ गए थे, तो सुबह नहीं दिन में आए थे 1 बजे, तो ये अभी ऑफिस से आए हैं और अभी खाना वाना खा के घर को चले जाएँगे, और बच्चे आज यहीं रहेंगे। तो हम सारी रात आज इन्जॉय करने वाले हैं बहनें मिल के। ये देखे ये भी इंजॉय कर रहे हैं दोनों मिलके। तो 8:30 बजे का टाइम है और माहौल कुछ इस तरह का है, माहौल ठंडा हो चुका है, वो इनकी मेहरबानी है, बट माहौल गर्म लगता है। और कितने सारे मेंबर एक बेड में बैठे हैं, और ये मेंबर कुछ सैड सी लग रही है, पता नहीं क्यों इन्होंने आज मुझे सब्सक्राइब किया है, और बहुत धोखेबाज है, इन्होंने मुझे बहुत धोखा दिया था आज तक। जो बोलते ना घर के अंदर ही दुश्मन होते हैं, ये वही है, ये वही हो रहा था जिसने मुझे धोखा दिया था। क्या आज ऐसी में लगा दूं? ऐसी में लगा दूं? है चिकन, चिकन सेफ ये है बनाने वाले, और ये बन चुका है हमारा चिकन जो कि अभी बना के बाहर जा रहे हैं। और एक बहन दिखाती मेरी बड़ी वाली, धनिया यहाँ पर धुल दिया है, उसके लिए लाए हैं पनीर, मैं बनाऊंगी पनीर की भुर्जी, और राजमा भी बचा है दिन का, और पनीर की भुर्जी बनाऊंगी मैं उसके लिए। बाकी आटा गूंथते हैं और फिर करते हैं डिनर, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।